तो अब हम समझेंगे फिजिक्स का के लैंग्वेज में वेक्टर का स्टेटमेंट, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है वेक्टर, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड एडेड अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। पिछले वीडियोज़ में हमने बताया कि जो वेक्टर है उसके पास क्या होना चाहिए, तो वो ऐसा क्वांटिटी होना चाहिए जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए और एडेड अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, वेक्टर कहलाएगा। बस हमने इस स्टेटमेंट को लिख दिया और उसके एग्जांपल हैं फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एब्सट्रैक्शन, ओके। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी है और कह सकते हैं कि उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, तो क्या वो वेक्टर क्वांटिटी होगा? इस कंडीशन में कहा जा सकता है कि वो वेक्टर क्वांटिटी होगा? नहीं। उसके पास क्या एक और चीज़ होना चाहिए, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशंस उसके पास भी होना चाहिए। अगर कोई एक क्वांटिटी के पास दो चीज़ है, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, बट ट्रायंगल ऑफ एडिशन नहीं है, तो वो क्या वेक्टर होंगे? वो वेक्टर नहीं होंगे। अब एक बात समझिए, कोई एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बट डायरेक्शन उसका फिक्स्ड नहीं है, तो भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होंगे। तो फिर वो क्वांटिटी क्या होंगे? तो वो क्वांटिटी होंगे टेंसर क्वांटिटी होंगे। वो कौन सा क्वांटिटी होंगे? टेंसर क्वांटिटी। चलिए हम टेंसर क्वांटिटी को समझते हैं। देखिए क्लास ट्वेल्थ लेवल पे टेंसर क्वांटिटी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बट नीट और जेई इस क्वांटिटी से क्वेश्चन पूछ लेता है। ये हायर इंजीनियरिंग में पढ़ना है। क्या चीज़ी? टेंसर क्वांटिटी पढ़ना है हायर इंजीनियरिंग में, बट हायर इंजीनियरिंग में पढ़ना है, बट जो नीट और जेई लेवल का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पे इससे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। बिहार बोर्ड में या बोर्ड लेवल पे या एनसीईआरटी में ये सब चीज़ ज़्यादा डिस्कस डीपली वे में नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या है टेंसर क्वांटिटी के। टेंसर क्वांटिटी के दो एग्जाम्पल लिए हैं, एक करेंट है और एक क्या है, प्रेशर है। तो देखिए करंट है, करंट के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता है। करंट के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर। उसके पास क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। क्या होता है, उसके पास डायरेक्शन भी है, बट उसके पास क्या नहीं है, तो बट नो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। उसके पास क्या नहीं बाबू, बट नो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन उसके पास नहीं है, यानी ट्रायंगल ऑफ एडिशन इसके पास नहीं है। तो क्या ये कौन से क्वांटिटी कहलाएंगे? तो ये क्वांटिटी हमारे कैसे कहलाएंगे, टेंसर क्वांटिटी कहलाएंगे, ठीक है। अब आगे समझते हैं, करंट ना तो वेक्टर है और ना ही स्केलर है, यह टेंसर क्वांटिटी है। हमने इसको लिख दिया है, नेदर वेक्टर नॉर स्केलर, इट्स अ टेंसर क्वांटिटी, ओके। अब समझते हैं, करंट इज नाइदर वेक्टर और नॉर स्केलर, इट्स अ टेंसर क्वांटिटी, ओके। अब आप समझिए प्रेशर के बारे में। प्रेशर क्या है जी? तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। आप इस बात को समझिए, प्रेशर समझते हैं ना, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या टेंसर क्वांटिटी है? तो देखिए, प्रेशर ना ही वेक्टर क्वांटिटी है और ना ही स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर क्या है? तो प्रेशर टेंसर क्वांटिटी है। क्यों? देखिए, प्रेशर के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, ट्रायंगल ऑफ एडिशन भी हो सकता है, बट जो प्रेशर है उसके पास क्या नहीं है जी? तो उसके पास कोई फिक्स्ड डायरेक्शन भी नहीं है। प्रेशर के पास क्या नहीं, फिक्स डायरेक्शन। देखिए, अगर यहाँ पर प्रेशर हो रहा है तो इसके बहुत सारे डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में भी होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा, इस डायरेक्शन से मतलब बहुत सारे डायरेक्शन में, इसका कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। कौन सा क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी। हमने यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, इसमें डायरेक्शन तो है बट कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो क्या कह सकते हैं, प्रेशर इज नाइदर वेक्टर नॉर स्केलर, इट्स अ टेंसर क्वांटिटी। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।